आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन फिल्म बाय बायप्रिज्म। तो फ्रेनल बायप्रिज्म की ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो फ्रेनल बायप्रिज्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक थिन फिल्म की थिकनेस को कैलकुलेट करेंगे, या इस मेथड को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। देखिए, तो ये फ्रेनल बायप्रिज्म के से दो वर्चुअल हमें कोहेरेंट सोर्स मिले हैं। तो आपको पता है कि फ्रेनल बायप्रिज्म क्या करता है, वर्चुअल सोर्सेस बनाता है। तो ये दो वर्चुअल सोर्सेस बन चुके हैं। अब ये स्क्रीन है और एक वेव या रे ये इस स्क्रीन पर ओ पॉइंट पर मिलता है और दूसरे कोहेरेंट सोर्स से एक बीम मिलती है ओ पर। तो इस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो है। ठीक है, पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां पर अगर पाथ डिफरेंस जीरो है इसलिए यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस किसी एक वेव के रास्ते में हम एक पी मोटाई की टी थिकनेस की शीट रख देंगे, फिल्म रख देंगे। ठीक है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू। तो हमने क्या किया कि एक किसी भी सोर्स के आगे हमने टी थिकनेस की क्या रख दी, एक फिल्म रख दी। तो अब क्या होगा, तो अब ऐसा करने पर ये जो ब्राइट फ्रिंज है ऊपर जो बनी है वो कहां डिस्प्लेस हो जाती है, पी पर। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए, स्क्रीन है उस पर सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अल्टरनेटिवली डार्क फ्रिंज बनेगी, ऊपर फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोमीटर में ये पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने माइक्रोमीटर से इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते समय क्या किया, एक के आगे थिन फिल्म रख दी टी थिकनेस की, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, रख दी। तो उसके कारण क्या हुआ, जो माइक्रोमीटर में ब्राइटनेस हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ पर मिल रही थी वो डिस्प्लेस हो गई पी पे। ये बात आपको समझ में आई। थिन फिल्म रखने से क्या हुआ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डिस्प्लेस फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, ये हमने केवल रिप्रेजेंट किया है ऐसा कि यहां आप कहेंगे यहां से ये बेंड होगी क्या, नहीं होगी क्या। तो ये एक जस्ट एक इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये पूरा हम माइक्रोमीटर के अंदर देखते हैं। तो जैसे ही हम इसके आगे थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइक्रोमीटर के अंदर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे देखिए, इफ ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम, तो इस बीम के पाथ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दी टी थिकनेस की फिल्म, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओ टू पी। The light waves from S to P, S1 to P travel partly in air. ये देखिए, जो S1 से P जो light जा रही है वो इतना रास्ता यहां से लेकर यहां तक तो air में कर रही है और इतना रास्ता वो sheet के अंदर travel कर रही है जिसका refractive index mu है। The distance traveled in the air is S1P minus T and in the sheet is P. देखिए, देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक ये लाइट जा रही है, इस यहां इस शीट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टी। तो एयर में कितना करेगी, एस वन पी माइनस टी। ये बात आपको समझ में आई। फिर से देखिए, यहां पर शीट के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो एयर में इसने कवर किया है वो कितना हो जाएगा, एस वन पी माइनस टी। ओके, अब यहां देखिए, ओके, तो यहां पे लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस वन पी। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ मल्टीप्लाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखिए, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में क्या रिलेशन होता है, ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ।
तो देखिए कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये ऑप्टिकल पाथ है, ये होता है म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो होता क्या है, जब हम पूरी की पूरी बात एयर के लिए करते हैं तब ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि अगर एयर की बात करें तो म्यू इक्वल टू वन है, तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वही ऑप्टिकल पाथ हुआ। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन जब हम यहां पर दो मीडियम अलग अलग इंट्रोड्यूस हो गए, एक तो देखो एयर और एक शीट, तब हम ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ अलग अलग हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल पाथ का और ज्योमेट्रिकल पाथ का आया है। क्यों आया है? क्योंकि दो मीडियम इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर एक ही मीडियम रहता तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में कोई फर्क नहीं होता, हम यहाँ पे कोई बात नहीं करते। ठीक है, अब आगे सुनो। तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस वन पी, तो यहां पर देखेंगे एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस वन पी माइनस टी प्लस इस शीट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी। अब एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वन, तो कितना आ जाएगा एस वन पी माइनस टी प्लस म्यू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे, ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस टू पी, तो एस टू पी का ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, इसके लिए ऑप्टिकल पाथ सीधे सीधा एस टू पी होगा। क्यों? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हुआ इसका वन, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हुआ इसका वन इंटू एस टू पी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ इक्वल है। ठीक है, देखिए अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान से सुननी है। पी पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो गई है, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जब शिफ्ट होती है इसका मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होता है, वहीं पर सेंट्रल डार्क फ्रिंज बनती है, सॉरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वहां बनती है जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो होता है। तो इस बार यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो यहां तो पाथ डिफरेंस हमें जीरो नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर है यहां हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर दो तरह के मीडियम इंट्रोड्यूस हो रखे हैं। कौन सा मीडियम है, न्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, बार कौन सा मीडियम है एयर। तो दो अलग अलग मीडियम जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की। तो यहां पर हम लिखेंगे एट पॉइंट पी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। इट मींस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो। देखिए जब भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है पाथ डिफरेंस जीरो होता है। यहां पाथ डिफरेंस की जगह ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि तो दो मीडियम इंट्रोड्यूस हुए हैं, दो मीडियम की बात चल रही है, एक तो एयर और एक म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। तो अभी आपको बात ये लाइन समझ में आ गई होगी। सो पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज जीरो। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मतलब ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस टू पी माइनस ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस वन पी शुड इक्वल टू जीरो। यहां एस टू पी ऐसे लिखेंगे, एस टू पी ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम एस टू पी एंड दिस इज ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम एस वन पी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू जीरो है तो हम यहां लिख सकते हैं ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम एस टू पी एंड ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम एस वन पी इज इक्वल। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एस टू ऑप्टिकल पाथ एस टू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस टू पी ये देखिए, और ऑप्टिकल पाथ एस वन पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस वन पी माइनस टी प्लस म्यू टी। ओके,
तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस टू पी माइनस या इक्वल टू एस वन पी माइनस टी प्लस म्यू टी। तो अगर हम यहां पर एस टू पी माइनस एस वन पी निकालें तो हमारे पास आ जाएगा म्यू टी माइनस टी, और यहां से हम टी कॉमन ले लें तो आ जाएगा म्यू माइनस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, एस टू पी माइनस एस वन पी टी म्यू माइनस वन। एस टू पी माइनस एस वन पी क्या होता है, ये तो अपना ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आ गया। अब हमें पता है, यंग डबल स्लिट से देख लीजिए, पिछले आप किसी भी डेरिवेशन से देख लीजिए कि एस टू पी माइनस एस वन पी जो पार्ट डिफरेंस हम यहां से कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिकली, वो पार्ट डिफरेंस लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा फ्रिंजेस वाला, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन किया था वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग एस टू पी माइनस एस वन पी जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है वाइड स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये बात आपको याद आई, पिछले डेरिवेशन पे आपको जाना पड़ेगा, कौन सा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ वाला। सब प्लेलिस्ट में सब देख लो आप। अब देखो इधर, तो एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी म्यू माइनस वन इक्वल टू ये कितना है, वाई डी अपॉन में कैपिटल डी। यहां से हम थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे शीट की, क्योंकि देखिए ये वाई की वैल्यू हमें कैसे पता लगी, माइक्रोमीटर। ये स्मॉल डी कैसे पता लगा, कोहरेंट सोर्स की बीच की डिस्टेंस। ये कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन की बीच की डिस्टेंस स्लिट की, और म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन, तो हमें क्या पता लग जाएगी, थिकनेस।